স্টার্ট হচ্ছে, উপরে দেখ। ঠিক আছে, हम लोग बहुत सारे मोनास्ट्रीज पर गए थे, तो ये सब वाला बड़ा वाला वहाँ पर देखने को हमको मिला, छोटा वाला यहाँ पे बहुत सारे शॉप में हमको देखने को मिला। কোথাও বেড়াতে যাব আর কিছু কেনাকাটা করব না তা তো হয় না। বাঙালির ধর্ম, যেখানে যাব স্মৃতি হিসেবে কিছু সঙ্গে নিয়ে আসব। বোধগয়া মানে বুদ্ধগয়া গেলে আপনি ঠিক কি কি কিনবেন, কোথা থেকে কিনবেন, সেসবের সুলুক সন্ধান রইল আজকের ভিডিওয়ে। তাই বন্ধুদের অনুরোধ, গোটা ভিডিওটা দেখুন এবং যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। বোধগয়ায় বিভিন্ন হ্যান্ডিক্র্যাফটের দোকান রয়েছে, আলাদা আলাদা করে সব আইটেমগুলোর নাম বলা সম্ভব নয়। ভিডিও দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন জিনিসপত্রগুলো ঠিক কী ধরনের হতে পারে। সাজানো গোছানোর ঝকঝকে শোরুমে এই জিনিসগুলোর দাম অনেক বেশি, তুলনায় রাস্তার দুধারের স্ট্রিট শপগুলোয় এই একই জিনিসের দাম অনেক সস্তা। তবে দামের ধরন অনেকটা কলকাতার নিউ মার্কেটের মতো, দরদাম করলে অনেকটা কমবে, তাই বার্গেনিং করে তবে জিনিসগুলো কিনুন। বোধগয়া সংক্রান্ত অন্যান্য ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া রইল ডেসক্রিপশন বক্সে, যদি চান অবশ্যই দেখে নিতে পারেন। अभी एक भाई साहब हमारे पास है, हम थोड़ा उनसे बातचीत कर लिए, थोड़ा कैमरे में आपने आपको दिखा दीजिए, क्या नाम है आपका? अशोक चौधरी। और ये जो आप दुकान यहाँ पर है, कितने दिन से आप लगा रहे हैं? हम 30 साल से लगा रहे हैं। 30 साल? 30 साल, हाँ। मतलब बहुत तो एक्सपीरियंस होगा आपके इस बारे में। यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं, ये कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर है वो लेना पसंद करते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए हमको। पहले तो ये भूत का मूर्ति पसंद करते हैं, उसके बाद माला, बोधि माला, ये जो है हम बहुत चॉइस करते हैं, और मतलब कि अपना ले जाते हैं, गिफ्ट के लिए ले जाते हैं, अपना घर के लिए ले जाते हैं। तो बुध का और बोधि माला लोग, विदेशी के लोग आते हैं और बहुत चॉइस करके ले जाते हैं यहाँ से। ये इसका प्राइस कितना है? ये 100 रुपया है सर, 100 रुपया है। अच्छा, और क्या क्या है इसमें? आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हमारा जो व्यूअर्स है उन लोगों को अच्छा मतलब नॉलेज मिलेगा यहाँ पे। ये जो है ये पंच धातु का बनता है, ये बहुत चॉइस करते हैं और इनको मतलब अपना घर में ले जा कर के शांति के लिए ले जाते हैं। इसमें ओम का आवाज़ आता है, थोड़ा दिखा। हाँ, देखिए, ये बजाने से घर में शांति मिलता है। ये बौद्ध धर्म का ये जो है कि मतलब बुद्ध का मतलब शांति मनोधर्म है। कौन कौन सा मेटल है इसमें? पंच धातु का रहता है, इसमें तांबा, पीतल और थोड़ा थोड़ा मतलब कि पंच धातु मिलाकर बनता है ये देहरादून से आता है।
और एक दिखा रहे थे, अब अभी एक बड़ा वाला। धीरे धीरे, ये है तीन धातु का, इसमें आवाज बहुत बहुत है, लेकिन ये तीन धातु में बनता है। ये यही सब ये हम लोग बेचते हैं, अपना परिवार को पालन पोषण करते हैं। और जो अभी अभी आपने कहा वो जो टूरिस्ट आते हैं वो किस किस चीज को यहाँ से ले जाते हैं मार्केटिंग करके? नंबर तो बोधी माला ले जाते हैं। यहाँ का बोधी माला कौन सा है दिखा देते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ये बोधी माला, ये जो बोधी माला ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्व है। 108 इसमें बीट्स रहता है। ये ले जाके बुद्ध भगवान जपते हैं, अब जपने के बाद अपना घर में ले जाते हैं। और जो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे रेप्लिकास लगे हुए हैं, तो कौन इनका थोड़ा इसका थोड़ा प्राइस अगर आप बता देते तो अच्छा होता। ये 200-300-400 इसी लगभग हम लोग बेचते हैं, मतलब कि 10-20 रुपये मिलता था हम लोग दे देते हैं। और तो हम लोग जास्ते बेनिफिट नहीं करते, विदेशी लोग थोड़ा लेते हैं लेकिन इंडियन टूरिस्ट से बहुत कम लेते हैं। तो अभी यही ये जो छोटा वाला रेप्लिका है वो हमने भी खरीदा है अभी, और हमने इनके दुकान से क्या क्या खरीदा है चलिए आपको दिखाते हैं। थोड़ा इधर रखा है, ये इसका प्राइस थोड़ा बता दीजिए, और ये किस चीज़ का बना हुआ है ये बता दीजिए। लकड़ी का रहता है, और मतलब हम लोग 10-20 रुपया बेच देते हैं। इनको हम 200 बताएं, 150 में दे रहे हैं। अच्छा, और बता दीजिए ये वाला। ये वाला इसको 150 बताएं, 130 में दे रहे हैं इनको। 10-15 रुपया मार्जिन रख करके देते हैं, बस इतना ही मिलते जाएगा तो बहुत बहुत हम लोग का बेनिफिट मिलता है। अच्छा, ओके। और ये छोटा वाला जो रेप्लिकास हमने खरीदा है उनका प्राइस और क्या किस चीज़ पे बना है वो भी बता दीजिएगा। धातु का रहता है, और मतलब हम लाते हैं 18-19 रुपया, 20 रुपया में इनको हम दे रहे हैं। 1-2 रुपया पर मिलता है तो हम लोग मतलब कि बहुत है, हम लोग जास्ती में नहीं खाते हैं। 1-2 रुपया 5 रुपया मिलता है, हम लोग सामान बेचते रहते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पर जो आप अपने रिलेटिव्स के लिए आप गिफ्ट आइटम की तर पर आप ले सकते हैं, ये है छोटा वाला रेप्लिका। ये कितने का है? 60 रुपये का, ये उन्होंने 60 रुपये का बताया है अभी। और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा कैमरा इधर कीजिए। ये बहुत बहुत सारा चीज़ है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आप जब यहाँ पर घूमने आए तो आपको थोड़ा नॉलेज रहे कि किस चीज़ का प्राइस कितना है, कितने में आप ले जा सकते हैं, वो नॉलेज रहना बहुत मतलब ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। और ये वाला हम लोग बहुत सारे मोनास्ट्रीज पर गए थे तो ये सब वाला बड़ा वाला वहाँ पर देखने को हमको मिला, छोटा वाला यहाँ पे बहुत सारे शॉप में हमको देखने को मिला। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मतलब यहाँ पे हिंदी में बात करते करते हिंदी अभी निकल रहा है अंदर से, तो मैं रिटर्न करती हूँ बांग्ला पर, ठीक है। तो आज के वीडियो आपनादेर केमन लागलो सेटा आपनादेर के अवश्य जानाते हबे कमेंटर माध्यमे, आर आमादेर संगे थाकते हबे। कमेंट करुन केमन लागलो वीडियो अवश्य जानान, आर भालो लागले एकटू शेयर करे दिन सबार साथे। प्लैटफर्म इज ओपेन टू ऑल, सो प्लीज कमेंट।